अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही कर 16 लाख रुपए की सामग्री जब्त नष्ट की, लेकिन क्या एक शिकायत काफी नहीं कार्रवाई के लिए, या फिर देखकर भी अनदेखा करता है विभाग? आबकारी विभाग का काम कई बार पुलिस को करना पड़ता है, तो कई मौकों पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई होती है। आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई करने के दावे करता है, बावजूद इसके अवैध शराब विक्रय और बनाने का गोरखधंधा बंद होना तो दूर नियंत्रित ही नहीं हो पा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले इतने बेखौफ है कि दूरस्थ ग्रामीण अंचल तो दूर जिला मुख्यालय पर ही विभाग आंख मूंद कर बैठा है। दूसरी तरफ विभाग को आम लोग इस तरह की गतिविधि की सूचना तो देते हैं, लेकिन जब कार्रवाई नहीं होती है तो विभाग पर भी लोगों का विश्वास उठ जाता है, क्योंकि विभाग एक दो शिकायत या सूचना को तो हवा में उड़ा देता है। मीडिया ने भी कई बार इस तरह की गतिविधियां चलने की सबूतों के साथ विभाग को दिखाने का काम किया, लेकिन जब बार बार शिकायतें होती हैं और जहरीली अवैध शराब की वजह से कोई घटना हो जाती है तब विभाग हरकत में आता है। हालांकि जब अधिकारी बदलते हैं और कोई ऐसे कामों को बंद करने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करने का मन बना लेता है तो बड़ी कार्रवाई हो जाती है। ताज़ा उदाहरण प्रतापनगर अम्बेडकर नगर क्षेत्र में हुई कार्रवाई है। यहाँ नवागत आबकारी अधिकारी राजनारायण सोनी और नवागत एडिशनल SP जयवीर सिंह भदौरिया ने स्वयं उपस्थित होकर करीब 16 लाख रुपए की सामग्री जब्त नष्ट करवाते हुए 3 प्रकरण भी दर्ज किए हैं। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देशन में सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया की उपस्थिति में पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही जिला मुख्यालय स्थित प्रताप नगर एवं अम्बेडकर नगर में की गई। आबकारी अधिनियम में 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर विवेचना में लिए गए, जिसमें महुआ लहान के 50 ड्रमों में भरी लगभग 10,000 लीटर महुआ लहान तथा लगभग 35 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त किया गया। मौके पर 4 चलित हाथ भट्टियों को एवं महुआ लहान को नष्ट किया गया। मौके पर ही JCB के द्वारा ही चलित भट्टियों के ऊपर लगे 3 शेड एवं महुआ लहान के ड्रमों को तोड़ा गया। उक्त समस्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 16 लाख रुपए से अधिक है। देवास जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध लगातार सघन कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही में राघवेंद्र सिंह कुशवाह सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, देवेंद्र प्रताप सिंह, विजय कुटेरिया, प्रेमनारायण यादव सम्मिलित रहे। साथ ही जिले में पदस्थ मुख्य आरक्षक, आरक्षकों तथा नगर सैनिक का विशेष सहयोग योगदान रहा। उक्त कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई है, लगातार इसमें सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसमें काफ़ी विश्वसनीय मुख्य से सूचना प्राप्त हुई कि इस तरीके से प्रताप नगर का ये जो एरिया है, यहाँ पर ड्रमों को नीचे गाड़कर और उसमें जो लहान है उसको सड़ाया जाता है और उसको वाष्पीकृत करके इससे शराब बनाई जाती है। सूचना पर से कार्रवाई की और यहाँ पाया भी, इसमें लगातार अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, कई ड्रम्स मिल चुके हैं जिसका आंकलन किया जा रहा है। ये कंपनी की बाउंड्री वॉल से लगा हुआ इलाका है, इसमें अभी सर्च जारी रहेगा। कहीं ना कहीं सर अवैध निर्माण को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई यहाँ पर अभी सब प्रथम इस पूरे नेक्सस को तोड़ना जरूरी है, जो शराब का ये बना है इसमें कौन लोग शामिल हैं, कौन लोग इसको लेके जाते हैं और कहाँ से ये बाय प्रोडक्ट लेके आते हैं, सभी इसमें होगा और निश्चित ही जो इसमें आरोपी हैं उनके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई। सर याचिका का बताया कुछ आरोपी को पकड़ा गया था? अभी आरोपी राउंड अप हो रहे हैं, टीमें लगा दी हैं और फिलहाल मौके पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि ड्रम और आदि जब्त किया। सर याची क्षेत्र में चल रही थी इस तरह से, इसमें लगातार इस शौहरत को सूचनाएँ थी, यहाँ की ऐसे और जगह की भी सूचना है, लेकिन हम किसी को भी इस तरह का कार्य नहीं करने देंगे और सख्त दंडात्मक सुनिश्चित करवाएंगे। करेंगी यहाँ पे करेंगी किस तरह की कार्रवाई है? ये बड़े लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि प्रताप नगर अम्बेडकर नगर के जो रेलवे पटरी है उसके किनारे काफ़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही है, जो कि मानव उपभोग के लिए भी अनुपयुक्त पाई जाती है। इस कारण से एक आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमारे द्वारा ये कार्रवाई पुलिस के संयुक्त बल के साथ किया जा रहा है। तो चूँकि देखिए आपके द्वारा देखा गया है कि काफ़ी मात्रा में शराब थी और ठिए भी चल रहे थे यहाँ पे, जी इसमें हमारी तरफ से कार्रवाई हमने शुरू कर दी और लगातार कार्रवाई करते रहेंगे ताकि ऐसा कोई एरिया पनप न पाए वो भी शहर के अंदर। अवैध निर्माण को भी ध्वस्त करने की जरूरत, अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया जा रहा है। इसमें जो अवैध रूप से शेड वगैरह बना रखे हैं जो कि प्रयुक्त ही अवैध शराब मदिरा के निर्माण में होते हैं, तो उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। कोई आरोपी पकड़ा है क्या सर? अभी तो कोई नहीं है, फिर भी हम प्रकरण पंजीबद्ध करके उनमें उनकी खोज करेंगे। तो सर जो किसी क्षेत्र में आप खड़े यहाँ पे आए दिन चलते थे, लंबे समय चलता उसके बाद भी ध्वस्त पूर्णतः बन नहीं पा रहा, क्या मानते हैं चीज़ को? नहीं, इसमें लगातार कार्रवाई विभाग द्वारा भी की जा रही है और अब हमने एक आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में एक बीड़ा उठाया है कि इस प्रकार की अवैध कच्ची शराब के हम जड़मूल से नष्ट कर देंगे।